हेलो दोस्तों, तो चलिए स्ट्रक्चर में हम लोग बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में। बारिश पर ही निर्भर खेती पर ध्यान देने की दरकार, इसके संपादक हैं सुरेंद्र सूद। भारत के असिंचित या बारिश पर निर्भर कृषि क्षेत्र इन आयामों पर गौर करते हैं। कुल फसल क्षेत्र का करीब 52% हिस्सा असिंचित है, वहाँ खेती मुख्य रूप से बारिश पर निर्भर करती है। देश के 60% से अधिक किसान सिंचाई सुविधा के बगैर ही अपनी फसलें उगाते हैं। कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के सकल घरेलू उत्पाद GDP का 50 से 60% हिस्सा बारिश से सिंचित भूभाग से ही आता है। करीब 90% ज्वार, बाजरा, रागी, अन्य मोटे अनाज, 85% दालें, 70% तिलहन, 40% चावल सिंचाई की सुविधा से रहित खेतों में ही पैदा हो रहे हैं। करीब 65% मवेशियाँ, 75% भेड़ों एवं 80% बकरियों की देखभाल बारिश पर निर्भर किसान ही कर रहे हैं। काफ़ी खेदजनक है कि कृषि के इतने अहम पहलू को विकास प्रक्रिया में जरूरी तवज्जो नहीं दी गई। निवेश एवं प्रोत्साहक प्रयासों का बड़ा हिस्सा पानी आधारित खेती तक ही सीमित रहा है। हरित क्रांति की शुरुआत में सिंचित खेती को अध्यारोही प्राथमिकता देना तो समझा जा सकता है। उस समय खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए यह जरूरी था कि अपने संसाधनों और प्रयासों को उन्हीं इलाकों तक केंद्रित रखा जाए कि उपज में फौरी राहत हासिल हो, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन में अधिक के बाद भी उसी रणनीति पर टिके रहने को सही ठहराना मुश्किल है। इस भेदभाव का वास्तविक नतीजा यह हुआ कि बारिश आश्रित इलाकों में औसत फसल उपज प्रति हेक्टेयर सिर्फ 1.1 टन रह गया, जबकि यह सिंचाई सुविधा वाले इलाकों में 2.8 टन से अधिक हो चुका है। प्रगतिशील किसान आमतौर पर सिंचित खेत से प्रति हेक्टेयर 4 से 6 टन अनाज ही फसल उगाते हैं। बारिश पर निर्भर इलाके को संबद्ध सेवाएं, खासकर मार्केटिंग मदद मुहैया कराने में नज़रअंदाज किया गया है, जिससे उनकी आर्थिक संवहनीयता पर गहरी चोट पर पहुंचती है। बारिश पर आश्रित किसानों की केवल 20 से 30% आय ही फसल उगाने से होती है, बाकी आय मवेशियों की देखभाल एवं दूसरे साधनों से होती है। इससे उलट सिंचाई सुविधा युक्त खेतों की जुताई करने वाले किसान अपनी आय का करीब 60% हिस्सा फसलों से ही जुटा लेते हैं। ऐसे में अचरज नहीं है कि हरित क्रांति काफ़ी हद तक गेहूं, चावल, गन्ना, कुछ अन्य सिंचित उपजों पर तक ही सीमित रहा है। प्रमुख रूप से सूखी जमीन वाले फसलों, मसलन तिलहन, दालें, मोटे अनाज, बेहद पौष्टिक माने जाने वाले मोटे अनाजों को इससे खास फायदा नहीं हुआ। इसे अब और जारी रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है सकेगी। कृषि अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों की तवज्जो बारिश पर आश्रित इलाकों पर केंद्रित करने की ज़रूरत है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि इन्हीं इलाकों में ग्रामीण गरीबों की आबादी रहती है। बड़े और नज़दीक शुष्क खेती वाले इलाकों से हर कोई परिचित है। ऐसे अधिकांश इलाके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य राजस्थान और सौराष्ट्र और पश्चिमी घाटों के कुछ क्षेत्रों में है। कई अन्य राज्यों में भी सिंचाई से वंचित जमीनों का बड़ा हिस्सा है। बारिश पर निर्भर इन इलाकों में आम तौर पर छोटे एवं सीमांत किसान ही रहते हैं। वहाँ पर मृदा अपरदन, क्षरण, निम्न उत्पादन की समस्या भी है। भूजल या तो उपलब्ध ही नहीं है या फिर उसकी गुणवत्ता खराब है।
और ढांचा भी अपर्याप्त है। इन कृषि क्षेत्रों के किसानों के पास नकदी की भारी किल्लत होती है और उनकी उम्र भी अधिक हो चुकी है, क्योंकि युवा पीढ़ी अब कामकाज की तलाश में दूसरी जगहों पर चली जा रही है। इन क्षेत्रों के कृषि पारिस्थितिकीय हालत काफ़ी अलग हैं और जलवायु परिवर्तन के चलते स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। इस तरह इन इलाकों में कृषि को उन्नत बनाने के लिए क्षेत्र केंद्रित रणनीति की जरूरत है। बारिश पर निर्भर खेती की हालत सुधारने के लिए गत दिनों दिल्ली में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कई मूल्यवान सुझाव सामने आए। यह सम्मेलन जलवायु सजग कृषि के लिए मृदा एवं जल संसाधन प्रबंधन विषय पर आयोजित किया गया था। वहां जल संरक्षण में नाकामी एवं समुचित एकीकृत खेती प्रणालियों के प्रोत्साहन जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। बारिश से सिंचित होने वाले इलाकों में खेती करते समय फसलें उगाने के साथ पेड़ उगाने, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन जैसे संबद्ध काम करने की ज़रूरत है, ताकि उनके बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सके। ऐसी खेती प्रणालियाँ अपने आप मौसम एवं मूल्य जोखिमों को रोक देती हैं। इसके विपरीत हालात में कम से कम किसी काम से तो कमाई हो जाएगी। किसानों की उत्पादक कंपनियों के गठन को प्रोत्साहन देने से भी कृषि उत्पादन में लगने वालों वाले की उत्पादों की खरीद, तैयार उपज की बिक्री बेहतर दरों पर की जा सकेगी। इकाइयां खेतों में नई तकनीकियों और मशीनों के इस्तेमाल में सहयोगी साबित हो सकती हैं। हालांकि इनमें से कोई भी तरीका कृषि शोध केंद्रों के समुचित समर्थन के बगैर कारगर नहीं हो सकता। हालात के हिसाब से तकनीकों का इस्तेमाल ही कम लागत पर अधिक उपज दिला सकता है। बारिश पर निर्भर किसानों के लिए खेती को मुनाफा का जरिया बनाने के लिए यह नियायत जरूरी है। चलिए, तो ये था हमारा किसानों से संबंधित और उनकी समस्याओं से संबंधित आर्टिकल।